अदाकारा रेशम डिप्रेशन के मर्ज को अल्लाह ताला से दूरी का नतीजा करार देने पर सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में आ गईं। अदाकारा ने अपने बयान की वजाहत देते हुए बताया कि मेरे नज़दीक इंसान से जुड़े अक्सरियती मसाइल का हल अल्लाह ताला से जुड़े रहने में मुजमिर है। अदाकारा रेशम ने हाल ही में निजी टीवी चैनल की रमजान की खसूसी नशरियात में शिरकत की, जहाँ उनसे डिप्रेशन से मुतालिक सवाल किया गया। अदाकारा ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये अल्लाह से दूरी का नाम है। रेशम ने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं थे, बचपन से बड़ी बहन ने परवरिश की, लेकिन जब भी वालदेन की याद आती मैं अल्लाह से रुजू करती। इंसान जो मर्जी महसूस करे उसे चाहिए कि अल्लाह के आगे सर झुका के रोए, उससे मांगे। अदाकारा की जानिब से इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सारफीन उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे थे कि डिप्रेशन एक बीमारी है। ताहम अब रेशम ने वायरल क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर किया और वजाहत भी पेश की। उन्होंने लिखा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है और मेरे नज़दीक हर मसले का हल अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से लगाव में है, फिर चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई और मसला। अदाकारा ने कहा कि शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, गहरी बातें हर एक को समझ आती भी नहीं। तनकीद करने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी किसी मुस्बत चीज़ के लिए संभाल कर रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। दूसरी जानी पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर और मेज़बान मथीरा ने अदाकारा रेशम के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ब्राह करम लोगों को उलझन में ना डालें, अगर डिप्रेशन के मसाइल आए तो मालिज के पास जाना ठीक है, जबकि दवा लेना भी जरूरी है। दिमागी बीमारी होती है, ये लोग अल्लाह ताला के करीब भी होते हैं और फिर भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ बड़े सदमात घबराहट के हमलों को ठीक नहीं करते। उन्होंने कहा कि हर मसले या मर्ज का रूहानी हल नहीं होता है, हमें किसी भी बीमारी, डिप्रेशन या जहनी तनाव के हवाले से मुतल्लिका माहिर तिब से मशवरा करना चाहिए। इबादत अपनी जगह पर है जबकि इलाज अपनी जगह पर। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।